आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसी में एक स्टेयरिंग ज्योमेट्री के समय एक वर्ड यूज़ होता है रिवर्सिबिलिटी का। तो रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, आइए इसको पहले बता दें आपको हम कि रिवर्सिबिलिटी क्या होती है स्टेयरिंग ज्योमेट्री के केस में। तो रिवर्सिबिलिटी, ये रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, देखिए जब कभी भी ड्राइवर किसी व्हीकल को चला रहा होता है, कार को चला रहा होता है, तो उस केस में जो डिफ्लेक्शंस हैं व्हील में, व्हील के अंदर जो डिफ्लेक्शंस आएंगे वो इसलिए आएंगे कि जो उबड़ खाबड़ रोड होगी, गड्ढे होंगे रोड पर, बम्प्स होंगे रोड पर, तो उसकी वजह से व्हील में जो होगा वो डिफ्लेक्शन होगा। तो जो डिफ्लेक्शन व्हील में होगा वो डिफ्लेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है, जो रोड सरफेस पर जो व्हील में डिफ्लेक्शन आता है वो ट्रांसमिट हो जाता है कहाँ पर, वो सीधे स्टीयरिंग पर, मतलब तो जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो अलग अलग जो लिंकेजेस जिससे जो है जुड़ा हुआ है स्टीयरिंग व्हील, नीचे व्हील तक, मेन व्हील तक, जो ड्राइविंग व्हील तक जो जुड़ा हुआ है, उन्हीं लिंकेजेस के सहारे वो वापस रिवर्स वहाँ तक स्टीयरिंग व्हील तक जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी जो होती है ये वैसे तो इसको अवॉइड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर अब तो क्या हो गया है कि जो जो हाइड्रोलिक जो सिस्टम आ गया है स्टीयरिंग में, पावर स्टीयरिंग आ गई है, तो उस केस में तो ये टोटली अवॉइड हो चुका है। लेकिन अगर जहाँ पर ये मैनुअल केस था पहले शुरू में, उन सब जगहों पर ये ऐसा हुआ करता था। तो पहले जब पुरानी कारें आप लोग देखिए जहाँ पर मैनुअली जो है स्टीयरिंग को जो है घुमाते थे, जहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं यूज़ होता था या पावर स्टीयरिंग नहीं होती थी, तो उस केस में जो जर्क होता था पहियों का वो जो होता था वो स्टीयरिंग पर भी पता लगता था, स्टीयरिंग भी उसी के साथ वाइब्रेट करती थी अगर पहिया जो है ऊबड़ खाबड़ स्थान पर जाता था। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि ये रिवर्स, तो ये जो स्टीयरिंग गियर जो होते हैं वो रिवर्सिबल कहलाएंगे। तो जो स्टीयरिंग गियर्स हैं, स्टीयरिंग गियर्स ये क्या कहलाएंगे, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल कहलाएंगे। कब, जब इफ डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द स्टीयर्ड व्हील्स ड्यू टू रोड सरफेस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्टीयरिंग लिंकेजेस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्टीयरिंग लिंकेजेस एंड स्टीयरिंग गियर बॉक्स एंड स्टीयरिंग गियर बॉक्स टू द स्टीयरिंग व्हील, टू द स्टीयरिंग व्हील्स, ये रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। तो इसको सब अब समझ, अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर मान लीजिए कि जो पहियों का जो जर्क है, ये पहियों के ऊपर जो ऊबड़ खाबड़ जो है रोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो स्टीयरिंग व्हील तक नहीं जा रहा है, तो उस केस में जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो इरिवर्सिबल कहलाएगा। यही चीज़ कहलाएगी इरिवर्सिबल, द स्टीयरिंग सिस्टम, द स्टीयरिंग सिस्टम इज सेट टू बी
इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल कहलाएगा। कब? इफ द स्टीयर्ड व्हील्स डू नॉट ट्रांसफर, एनी डिफ्लेक्शन टू द स्टीयरिंग व्हील, तो अब ये रिवर्सिबिलिटी का जो टर्म यूज होता है स्टीयरिंग के केस में, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम बात करने जा रहे हैं आगे व्हील अलाइनमेंट की। क्या होता है व्हील अलाइनमेंट? व्हील अलाइनमेंट आप लोग देखते होंगे कि व्हील अलाइनमेंट कहीं सब सर्विसिंग वगैरह जहां पर होती है वहां लिखा होता होगा कि यहां पर गाड़ियों का व्हील अलाइनमेंट होता है, व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। व्हील का अलाइनमेंट, व्हील की बैलेंसिंग, ये सब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो अगला टॉपिक हमारा यही है अब, व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट तो ये क्या होता है, ये करेक्ट पोजीशन जो होती है जो फ्रंट व्हील की स्टीयरिंग के साथ। क्यों ये व्हील अलाइनमेंट हम क्या करते हैं? व्हील अलाइनमेंट का मतलब होता है कि एक हम करेक्ट पोजीशन करते हैं। पोजीशन किसकी? फ्रंट व्हील की। फ्रंट व्हील की जो करेक्ट पोजीशन है वो स्टीयरिंग के साथ ऐसा बनाया जाता है, उसको किया जाता है कि हमको जो है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिले, मिनिमम टीयर वियर टायर पर मिले और आसानी से ड्राइविंग हो सके। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो व्हील अलाइनमेंट किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि इसकी वजह से हमको डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिलती है। अगर हम सीधे जा रहे हैं या मुड़ रहे हैं, सीधे जा रहे हैं तो गाड़ी सीधे चलती रहेगी, अपने आप नहीं मुड़ेगी, इधर उधर भागेगी। अगर ऐसा नहीं है, व्हील ढंग से अलाइन नहीं है या व्हील की बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में अगर आप सीधी स्टीयरिंग रखते हो तो अपने आप गाड़ी एक तरफ भागेगी। आप चलें जब चलाएंगे उसको, अगर आप ड्राइवर चलाता है तो उस केस में वो दाहिनी तरफ, तो बाईं तरफ अपने आप भागती है। तो उस केस में हर समय उसको जो है सीधा रखना पड़ता है, उससे काफ़ी एफर्ट लगता है, कंधे दर्द करने लगते हैं। तो ये जो है ऐसा एक बार मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा कंधे दर्द करते हैं, हर समय अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि गाड़ी एक तरफ भाग रही होती है। उसी समय अगर मान लीजिए हल्का था आप कहीं पर जो है लूज़ किए अपना माइंड, तो उसके इसमें पता चला उसी डायरेक्शन में मुड़ गई और कोई हो सकता है हादसा हो जाए। तो इस तरीके से व्हील का अलाइनमेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको बोलते हैं ये करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्रंट व्हील विद स्टीयरिंग, ये कहलाती है व्हील अलाइनमेंट का मतलब। कहीं पर भी आया तो दिमाग में केवल एक बात यही आनी चाहिए कि करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्रंट व्हील विद स्टीयरिंग। तो ये करेक्ट पोजीशन, फ्रंट व्हील की जो करेक्ट पोजीशन है वहां पर हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? व्हाई? ऐसा क्यों, कोई पूछे कि ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, चाहिए। दूसरी बात क्या चाहिए? मिनिमम टीयर वियर टायर पर जो है जब जब व्हीकल हम चलाएं, कार चलाएं या कार चले, तो उस केस पर जो टायर है वो घिसे कम, तो मिनिमम टीयर वियर इन टायर्स में मिनिमम टीयर वियर हो। और क्या उसके साथ चाहिए हमको? और इजी ड्राइविंग, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ड्राइविंग फिर जो है बहुत ही हार्ड हो जाती है। इजी ड्राइविंग तो उसमें जो है कुछ टर्म्स यूज होते हैं व्हील अलाइनमेंट में, तरह तरह से अलाइनमेंट होता है।
तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा और उन सारे टर्म्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो अलाइनमेंट होता है बेसिकली ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। तो पहला जो फैक्टर होता है वो स्टीयरिंग ज्योमेट्री को लेकर के होता है। तो जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री को लेकर के होता है फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर जो जिसमें स्टीयरिंग ज्योमेट्री जिसके बारे में हम यहाँ पर डिटेलिंग कर रहे हैं, स्टीयरिंग ज्योमेट्री को लेकर के होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आता है कैम्बर, कैम्बर उसमें और आता है किंगपिन इंक्लिनेशन, किंगपिन इंक्लिनेशन और आता है कैस्टर और टो इन टो आउट, टो इन टो आउट ये सब आ जाते हैं इसमें। और सेकंड फैक्टर जो होता है इसका, जो दूसरा फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो किसके कारण, वो जो होता है फ्रंट व्हील की जो कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ फ्रंट व्हील। तो व्हील की, फ्रंट व्हील की जो कंडीशन चेंज हो जाती है, व्हील की कंडीशन किसके किसके कारण चेंज हो सकती है, पहला अगर बैलेंसिंग प्रॉपर ना हो तो बैलेंस ऑफ व्हील, बैलेंस ऑफ व्हील्स, फिर और इन्फ्लेशन ऑफ टायर्स, इन्फ्लेशन ऑफ टायर्स, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है ब्रेक एडजस्टमेंट, ब्रेक एडजस्टमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री से रिलेटेड जो ये चार चीज़ें हैं, ये कैम्बर पहला फैक्टर जो था जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री से रिलेटेड में आता है, कैम्बर आता है, किंगपिन इंक्लिनेशन दूसरा आता है, तीसरा कैस्टर आता है और टो इन टो आउट, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या होता है और कैसे जो अगर डायरेक्शनल स्टेबिलिटी हम इनके थ्रू अचीव करते हैं कि अगर कि हम चाहते हैं कि जो अगर स्ट्रेट रोड पर चल रही है, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर हम व्हीकल को स्ट्रेट रोड पर चलाएं तो स्ट्रेट रोड पर चले आसानी से, जो वो टर्न हो जाए जब चाहें तब वो टर्न से जो है सीधे फिर सीधी हो जाए, और जो रजिस्ट करे जो रोड के अंदर जो शॉक्स होते हैं उनको रजिस्ट करे अच्छे तरीके से। तो ये सारी बातें अब हम इसको बताएंगे आपको बारी बारी से कि कैम्बर, किंग पिन इंक्लिनेशन, कैस्टर, टो इन और टो आउट क्या होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि व्हील अलाइनमेंट क्या होता है, हमने आज आपको बताया रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है ये हमने आपको बता दिया। अब समझ में अच्छे से आ गया होगा ये टर्म स्टीयरिंग के सिस्टम में कैसे लिया जाता है, और उसके साथ साथ जो फैक्टर्स होते हैं व्हील अलाइनमेंट में, व्हील अलाइनमेंट के केस में वो किस किन जो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो होता है वो स्टीयरिंग ज्योमेट्री पर होता है और उसमें वो चार चीज़ें आ जाती हैं स्टीयरिंग ज्योमेट्री की वो, और दूसरा फैक्टर जो होता है व्हील अलाइनमेंट का वो आता है बैलेंसिंग ऑफ व्हील से, इन्फ्लेशन ऑफ टायर से और ब्रेक एडजस्टमेंट से। तो बैलेंसिंग ऑफ व्हील, तो जब बैलेंसिंग कराते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि व्हील के जो जो रिम होता है उसकी पेरिफेरी पर जो है कुछ थोड़ा सा मास लगा दिया जाता है, तो जिससे जो है जब व्हील चलती है तो उस केस में वो बैलेंस हो जाता है और कुछ दिन के बाद उसको निकाल भी लेते हैं क्योंकि वो फिर जो है वो प्रॉपर एडजस्टमेंट उसका हो जाता है। इन्फ्लेशन ऑफ टायर, टायर जो है बिल्कुल सही हवा होनी चाहिए, अगर सही हवा कंडीशन में नहीं है तो उस केस में भी जो ये कह लें कि जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं मिलती, मतलब ये तो ये तब आपको पता चलेगा जब काफ़ी हवा कम हो, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत अगर हवा कम होगी तो आप समझेंगे
लेकिन हाँ ये है कि उसी से ड्राइवर पता भी कर पाता है कि अब इस समय गाड़ी में कुछ हवा कम हो गई है, या तो उसको जो है लगता है कि हाँ ऐसा कुछ लग रहा है कि जो है व्हीकल में डायरेक्शनल स्टेबिलिटी कम है, और या तो उसको जो है ये पता होता है कि अब काफ़ी समय हो गया हवा भराए हुए, अब हवा भरा लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं इसमें, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं टेक्निकल टर्म्स जो हैं, इनको थोड़ा सा हम डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो जो है आप देखिएगा, अगर वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने जा रहे हैं। थैंक यू, आज यहीं तक।